और ये इजिली अटैच हो जाएगा। अब भाई आपको कोई 12 वोल्ट के सॉकेट में ना इसका तार नहीं लगाना बार बार, कभी इस तार को लगा के वहाँ जाएंगे फिर तार को बंद करेंगे फिर निकालेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं करना। अब ये काम करने के लिए रेडी है, चाहे आपको साइकिल में हवा भरनी है, चाहे कार में भरनी है, चाहे बाइक में भरनी है, चाहे बॉल में भरनी है, कहीं भी आप भरो। सो दोस्तों, अगर आपके पास कार या बाइक है और आप साथ में लॉन्ग राइड्स का शौक रखते हैं तो भाई ये वो प्रोडक्ट है जो आपके पास होना ही चाहिए। ये क्रस्ट का टायर एयर इन्फ्लेटर। ये नॉर्मल टायर एयर इन्फ्लेटर नहीं है, ये स्मार्ट है। स्मार्ट कैसे है? वो बताता हूँ आपको। सो एक बार बॉक्स ओपन करने से पहले देख लेते हैं कि बॉक्स कैसा है, क्या क्या कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। ऊपर लिखता है ब्रांडिंग है, क्रस्ट एयर इन्फ्लेटर लिखा हुआ है, पावरफुल कोर्डलेस एयर पंप फॉर टायर्स। यहाँ बना हुआ है अपना प्रोडक्ट। यहाँ क्या लिखा है, सुपर फास्ट यानी दो गुना फास्ट है इसकी इन्फ्लेशन की स्पीड। इसके अलावा कॉम्पैक्ट है, स्मॉल पोर्टेबल है, साथ में 150 PSI तक मैक्सिमम प्रेशर है इसका, ठीक है। तो भाई काफी अच्छा काम करने वाला है। राइट साइड में क्या है, 40 मिनट पर लीटर एयर फ्लो वॉल्यूम, भाई ये सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। 4000 mAh की बैटरी यानी कि आधे घंटे लगातार ये काम कर सकता है। 4 प्रीसेट प्रेशर मोड्स इसके अंदर है, ऑटो कट ऑफ सिस्टम है, इमरजेंसी पावर बैंक एंड टॉर्च है और लार्ज LED डिस्प्ले है। इसके अलावा और भी कुछ बहुत है इसमें, कार बाइक बाइसिकल बॉल स्विमिंग फ्लोट और एयर बैड। तो भाई ये यहाँ काम आने वाला है। साथ में आपको 5 एक्सेसरीज मिलती हैं इसकी, ठीक है। एक तो होता है मेन पाइप है जो कार में हवा भरने के काम आएगा, यहाँ आपको मिलता है साइकिल के लिए, यहाँ आपको बॉल के लिए, यहाँ पर स्विमिंग पूल के लिए और यहाँ पर आपको बोट के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस क्या है वो आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। कुछ ओवरऑल प्रोडक्ट है, बाकी इसको कर लेते हैं जल्दी से ओपन। सो कुछ ऐसी पैकिंग आती है, ऊपर लिखा है क्रस्ट एयर इन्फ्लेटर पावरफुल कोर्डलेस एयर पंप फॉर टायर्स, ठीक है भाई। इसके अंदर कोई आपको वायर लगाने की जरूरत नहीं है, ये वायरलेस है। तो एक बार ओपन करते हैं तो कुछ ऐसी पैकिंग मिलने वाली है। बीच में आता है प्रोडक्ट, ये साइड में फोम में निकालते हैं साइड में, और ये है भाई इनका मेन प्रोडक्ट। ऊपर है ब्रांडिंग क्रस्ट की, यहाँ पर आपको स्विचेस दिए गए हैं और ये पूरा कवर है। नीचे इसमें हवा पास होने का रास्ता है। साइड में आपको टॉर्च मिल जाती है, यहाँ पर आपको मेन सॉकेट है जहाँ से आप टायर में हवा भरेंगे। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं, यहाँ से इसको एज ए पावर बैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं तो इससे आप पावर बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो और दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है आपको, रखते हैं साइड में। ये मेन पाइप है, मेटल का पार्ट है, ठीक है, इससे हवा भरी जाएगी। इसके अलावा आपको 4 अटैचमेंट्स और आती हैं, इनको मैं निकालता हूँ, हाथ में दिखाता हूँ आपको, क्लोज देखेंगे तो ये किस काम आने वाली है। ये तो हो गया आपके भाई हवा भरने के लिए बॉल्स वगैरह में, ये साइकिल्स के लिए हो गया, ये जो एयर बैड आते हैं उनके लिए हो गया, और ये आगे आपके जो स्विमिंग पूल्स होते हैं ना, घर में गर्मी आ रही है और स्विमिंग पूल्स में हवा भरनी है, ये उस काम के लिए होगा, ठीक है। 4 आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है, सी टाइप की है। ये आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलने वाला है और भाई ये मिलता है आपको छोटा सा वारंटी कार्ड, ठीक है, स्पेशल ऑफर के साथ। तो ये 4-5 चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं मेन प्रोडक्ट के बारे में, ये कैसा है। तो एक बार क्लोज दिखाता हूँ भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप आराम से इसको हाथ में रख सकते हो। यहाँ पर आपको 4 राउंड शेप में स्विच मिल जाएंगे, एक मेन मिल जाएगा। ऑन करते हैं इसको, कुछ ऐसे प्रेस करना है आपको, और यहाँ पर भाई ये है स्मार्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको एक छोटे से LCD दिख रही है। और इसको मैं एक बार इसकी जो पैकिंग है इसको उतार देता हूँ ताकि क्लियरली आप देख पाएँ कि इसकी क्वालिटी है कैसी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं बैटरी का साइन मिल जाता है, यहाँ पर कार बनी हुई है, और यहाँ पर आपको एयर का प्रेशर है उसका आपको मीटर मिल जाता है, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से कार के बाद साइकिल आ जाएगा, यहाँ पर आपको बाइक मिल जाएगी, यहाँ पर आपको बॉल मिल जाएगी। इसके अलावा हम इसको PSI में बार हो गया और PSI हम दोनों में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सो एक बार इसका जो मेन पाइप है उसको हम इसको अटैच करते हैं, दिखाता हूँ कितना सिंपल सा है। बस आपको ये यहाँ लगाना है और इस तरह से इसको घुमा देना है, ये, और ये इजीली अटैच हो जाएगा। अब भाई आपको कोई 12 वोल्ट के सॉकेट में ना इसका तार नहीं लगाना बार बार, कभी इस तार को लगा के वहाँ जाएंगे फिर तार को बंद करेंगे फिर निकालेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं करना। अब ये काम करने के लिए रेडी है, चाहे आपको साइकिल में हवा भरनी है, चाहे कार में भरनी है, चाहे बाइक में भरनी है, चाहे बॉल में भरनी है, कहीं भी हवा भरो। एक बार डेमो लेते हैं इसका। सो अभी डिवाइस हमारी बंद है, प्रेस करेंगे सेंटर वाला बटन तो हो जाएगा ऑन। तो अभी है कार पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो परसेंटेज 0 हो गई है, बैटरी हमारी फुल है। बस क्या करना है, हमें इसको लगाना है इसके अंदर और इसको करना है प्रेस और यहाँ से दबाना है बटन। कोई तार नहीं लगाना 12 वोल्ट के सॉकेट में, बस आपको ये हाथ में लगाना है, यहाँ छोड़ दिया, लटक रहा है हवा में, हवा भर रही है। दोस्तों कार में तो भर गई हवा पूरी, ठीक है, 34 तक का लिखा आ गया नंबर यहाँ, और बहुत इजी है भाई हवा भरना। लेकिन ऐसा मत करना कि भाई फ्लैट टायर हो चारों ओर लगातार आप भरें, इसको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि मशीन है गर्म हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर बहुत बड़ा पंप होता है, एयर पंप होता है जिससे हवा भर जाती है। छोटी सी चीज़ है, ठीक है, बेसिकली ये टॉपअप के लिए है, इमरजेंसी में कहीं आप फंस गए हैं, टायर पंचर हो गया है और आपको टॉपअप करने, तो ये इजीली आपका हेल्प करने वाला है। फ्लैट चारों टायर अगर भरने होंगे ना तो भाई थोड़ा मुश्किल है, इसको थोड़ा सा गैप चाहिए होगा। कार में तो हो गया ये पास, एक बार बाइक में, इसके बाद अपने घर में साइकिल में यूज करके देखते हैं इसको। सो अब चेक करते हैं भाई बाइक के अंदर कि ये बाइक में कैसा परफॉर्म करने वाला है। अभी टायर का प्रेशर है 31.5 और स्टार्ट करते हैं इसको हवा फिल करना।
सो इसमें है भाई ऑटो कट फैसिलिटी, 35 पर हवा पहुंची और अपना भाई बंद हो गया, यानी 34 पर ऑटो कट हो जाएगा बाइक के लिए, क्योंकि हमने यहाँ से बाइक का मोड जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो भाई परफेक्ट चीज़ है ये एमरजेंसी में, कैरी करना बहुत आसान है यार, ठीक है, कहीं भी जा रहे हो, बहुत छोटी चीज़ है, इसको बस खोल के बैग में डाल लेना और आराम से ये कहीं भी यूज़ हो जाएगा। सो इसमें आपको यहाँ पर एक लाइट भी मिलती है, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलता है उसका स्विच, जैसे इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आपको लाइट जलने लग जाती है, ठीक है। एमरजेंसी है, रात का टाइम है और आपको नोजल नहीं मिल रहा या कुछ सर्च भी करना है तो ये हेल्प करने वाला है जैसे तरह से। और इसमें मोड है लाइट में, ठीक है, एक बार और प्रेस करेंगे तो ये ब्लिंक होगी और एक बार प्रेस करेंगे तो जल्दी जल्दी ब्लिंक होगी, समझ रहे हो भाई क्या चीज़ है ना। एमरजेंसी हो गई, कहीं आपको हाथ देना है, किसी को रुकवाना है, तो ये भी हेल्प करने वाला है, लेजर की तरह काम करेगी। सो गाइस एक ये छोटी सी डिवाइस आपके बहुत काम आने वाले, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे साइकिल हो, बॉल हो, एयर बैड हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, मौसम आ रहा है गर्मी का, ठीक है, तो भाई ये स्विमिंग पूल में हवा भरने के लिए बहुत सही चीज़ है। तो भाई वायर के झंझट में ना पड़े, ठीक है, ऐसा लें, पोर्टेबल लें, स्मार्ट एयर इन्फ्लेटर लें, और इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा कूपन कोड भी होगा साथ में, कूपन कोड को डाल लेना, उस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो प्रोडक्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।